अपने तन मन से मैंने प्रभु की स्तुति की है, इसलिए मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। हे ईश्वर, तुम सम्राटों के भी सम्राट हो, इसलिए हे नानक, मैं तुम्हारे ही नाम सिमरण से जीवन धारण करता हूँ। हे भगवान, तुमने स्वयं ही सृष्टि की रचना की है और जगत रूपी खेल को साज कर प्रत्यक्ष किया है। समस्त स्थानों पर सत्य प्रभु के सत्य हुक्म का प्रसार हो रहा है, किंतु उसके मूल रहस्य को वही समझता है जिसे तुम समझाते हो। गुरु की कृपा से जिसने भगवान को पा लिया है, भगवान जी ने उसका माया का मोह नष्ट कर दिया है। अपनी कृपा करके वह स्वयं अपने साथ मिला लेता है। हे प्रभु, तुम ही गोपी हो, तुम ही यमुना हो, तुम ही कृष्ण हो, तूने ही कृष्ण रूप में गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, तूने ही अपने हृदय में जीवों के शरीर रूपी बर्तन निर्मित किए हैं। तुम स्वयं ही इन शरीर रूपी बर्तनों को नष्ट करते एवं निर्माण करते हो। जिन्होंने अपना चित्त सतगुरु से लगाया है, उन्होंने माया का मोह दूर कर दिया है। ऐसे प्राणियों की ज्योति निर्मल हो जाती है, वह अपने जीवन को सवार कर परलोक में जाते हैं। हे भगवान, तुम हमेशा ही मुझ पर उपकार करते रहते हो, मुझ पर कृपा करो। क्योंकि मैं दिन रात तेरी महिमा करता रहूं, तू इतना दयालु है कि बिना मांगे ही जीवों को दान देता रहता है। हे नानक, हमेशा ही भगवान का सिमरण करते रहो। श्री राग महल्ला पांच, पै पाई मना सोई जी, सतगुर पुरख मिलाया तिस जे बड़ अंबर ना कोई जी, रहा गोसा मिहड़ा इठड़ा, अंब अब्बे था वह मिठड़ा, बहन भाई सब सज्जना तुद जेहा नाही कोई जी, तेरे हुक्मे सावन आया, मैं सत का हल जुआया, ना बीजन लगा आस कर, हर वो हल बक्स जमाई जी, हाँ गुर मिल एक पछाणदा, दुआ कागल चित ना जानदा, हर एक ते कारे लायो, जय भावे तिव्य निबाह जी, तुसी भोग भुच्छह भायो, गुर दीवान कवाई पहनायो, हाँ होया महर पिंड दा, बन आंदे पंज सरीक जी, हाँ आया संभे तिहड़ियां, पंज किरसान मुजेरे मिहड़ियां, कन को कड ना हंग, नानक बूठा घुग घेरा जी, हाँ बारी घुमा जावदा, इक साहा तुद ध्यांदा, उजड़ थे बसायो, हाँ तुद विटह कुर्बान जी, हर इठे तिन ध्याया, मन चिंदी सो फल पाया, सभे काज सवारिया, लाहिया मन की भूख जी, मैं छड़िया सभो धंधड़ा, गोसाई से भी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बंधा छिक जी, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुर अंतर शब्द बसाया, सत गुर पुरख बिखाड़िया, मस्तक धर के हथ जी, मैं बंधी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा भाल के, पैर धोबा पखा फेरदा, तिस निब निब लगा पाई जी, सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इसनान दृढ़ाया, सब मुक्त होया संसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चढ़ जी, सब सृष्ट सेवे दिन रात जी, दे कन सुनह अरदास जी, ठोक बजाई सब डिठिया, तुस आपे लय छड़ाई जी, हुन हुक्म होया मेहरबान दा, पै कोई न किसे रंजान दा, सब सुखाली बूठिया एह होया, हले मी राज जी, झिम झिम अमृत बरसदा, बोलाया बोली खसमदा, वह मान किया तुध ऊपरे, तू आपे पाई है थाई जी, तेरिया भगता भूख सद तेरिया, हर लोचा पूरण मेरिया, देह दर्शन सुख दातिया,
मैं गल विच लिह मिलाई जी, तुध जेवड़ अंबर ना भालिया, तू दीप लुए प्यालिया, तू थान थनंतर रब रहिया, नानक भगता सच आधार जी, हा गो साई दा पहलु बानड़ा, मैं गुर मिल उच दुमालड़ा, सब हो छिज इकठिया, दया बैठा वेखे आप जी, बात बंजन तमक भेरिया, मन लथे लेंदे फेरिया, निहत्ते पंज जवान मैं, गुर थापी दित्ती कड जी, सब इकट्ठे होई आया, घर जासन बाट बटाया, गुरमुख लाहा ले गए, मन मुख चले मूल गवाई जी, तू वरना चिन्हा बहरा, हर दिसे हाजर जहरा, सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भक्त रते गुण तास जी, मैं जुग जुग दे से वड़ी, गुर कट्टी मेहड़ी जे वड़ी, हाँ बहुड़ छिज ना नचौ, नानक अवसर लथा भाल जी, मैं सत गुरु के चरणों में पढ़कर मन्नत करता हूँ, क्योंकि महापुरुष सत गुरु जी ने मुझे उस ईश्वर से मिला दिया है, उस जैसा महान जगत में अन्य कोई भी नहीं रहाउ। मेरा मालिक प्रभु मुझे बहुत प्रिय है, वह माता और पिता से बहुत मीठा लगता है, हे प्रभु बहन भाई मित्र आदि सब जनों में तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं, तुम्हारे आदेश से श्रवण का महीना आया है, तुम्हारी प्रसन्नता हेतु मैंने सत्य का हल जोड़ा है, इस आशा में कि ईश्वर अपनी कृपा से दांतों का अंबर उत्पन्न करेगा, मैं नाम बीज बोने लगा हूँ, हे ईश्वर गुरु से मिलन के कारण मैं केवल तुम्हें ही पहचानता हूँ, मैं अपने मन के अंदर किसी अन्य हिसाब को नहीं जानता हूँ, ईश्वर ने एक कार्य मेरी जिम्मेदारी में लगाया है, जिस तरह उसको अच्छा लगता है उसी तरह मैं उसको संपन्न करता हूँ, हे मेरे भाइयों आप नाम सेवन करो एवं आनंद मानो, परमेश्वर के दरबार में गुरुदेव ने मुझे भक्ति रूपी पोशाक भेंट कर प्रतिष्ठा प्रदान की है, मैं शरीर रूपी गांव का स्वामी हो गया हूँ और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि अपने पांचों शरीकों को मैंने बांध लिया है, हे प्रभु जब से मैंने तेरी शरण ली है तब से मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां मेरे सेवकों की भांति मेरी आज्ञा में रहती हैं, मेरे खिलाफ अब कोई कान सिर उठाने का साहस नहीं कर सकता, हे नानक इसलिए शरीर रूपी गांव आध्यात्मिक संपदा की संघनता से बस गया है, हे मेरे प्रभु मैं तुझ पर बलिहार हूँ कुर्बान हूँ, श्वास श्वास में तुम्हारा ही नाम जपता हूँ, मेरा मन उजड़ गांव गुण रहित की भांति था तुमने उसे बसा दिया है, इसलिए मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, हे मेरे प्रियतम प्रभु तेरा मैं सदैव ही सिमरण करता हूँ, और जैसी मेरी अभिलाषा थी मेरी वह कामना पूरी हो गई है, तुमने मेरे समस्त कार्य सवार दिए हैं और मेरी आत्मा की भूख निर्वृत्त कर दी है, मैंने संसार के मिथ्य कार्य त्याग दिए हैं, मैं सृष्टि के स्वामी की आराधना करता हूँ, नव निधि को देने में सामर्थ कल्प वृक्ष समान हरि नाम मुझे मिला है, जिसे बड़े यतन से मैंने अंतर मन में संजोया हुआ है, मैं बहुत सुखी हूँ चूंकि मैंने सुख प्राप्त कर लिया है, गुरु ने मेरे हृदय में भगवान का नाम बसा दिया है, सत गुरु ने मेरे माथे पर हाथ रखकर अर्थात आशीर्वाद देकर मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करवा दिए हैं, मैंने सच्चाई के मंदिर की धर्मशाला बनाई है, गुरु के शिष्यों को ढूंढकर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं उनके चरण धोता हूँ, पंखा झुलाता और विनम्रता पूर्वक
झुक झुक कर उनके चरण स्पर्श करता हूँ। गुरु के शिष्यों से बातें सुनकर मैं गुरु के पास आया हूँ। गुरु ने मुझे नाम दान पुण्य और स्नान निश्चित करवा दिया है। हे नानक, नाम रूपी सच्ची नाव पर सवार होने के कारण सारा संसार बच गया है। हे प्रभु, सारी सृष्टि दिन रात तेरी सेवा का फल पाती है। हे स्वामी, अपना कान देकर मेरी प्रार्थना सुनो। मैंने सभी को भली भांति निर्णय करके देख लिया है, केवल तुम ही अपनी प्रसन्नता द्वारा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हो।